बिग बॉस 16 का लेटेस्ट एपिसोड थोड़ा मस्ती भरा तो थोड़ा इमोशनल भी रहा है। शो के कंटेस्टेंट एमसी स्टेन और अब्दुल रोजक के बीच कुछ बातें ऐसी हुई जिससे सुनकर दर्शक भावुक उठे। पुणे के फेमस रैपर एमसी स्टेन पिछले कुछ दिनों से इस घर के अंदर काफी लो महसूस कर रहे हैं। एमसी स्टेन ने अब्दू के सामने अपने दिल की बात कह डाली है और कहा है कि उनका दिल अब घर वापस जाने का कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह पा रहे हैं और उनका लाइफ इस घर के बाहर ही ज्यादा अच्छा है। इस दौरान अब्दू ने भी अपनी कुछ ऐसी कहानी सुनाई है जो दिल को छू देने वाली है। एमसी स्टेन ने कहा है कि मुझे पैसे और नाम नहीं चाहिए। बिग बॉस 16 के घर में एमसी स्टेन अब्दू रोजिक से कहते नजर आए हैं, मुझे पैसे और नाम नहीं चाहिए। अब्दू इस दौरान उन्हें संभालता दिखा है। अब्दू जिंदगी के बारे में बातें करते हुए एमसी स्टेन को मोटिवेट भी करता दिखा है। अब्दू ने रैपर को टिप्स देते हुए कहा है कि जब लोग कुछ कहते हैं तो उन बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, इसे इग्नोर करना चाहिए। इसी के साथ अब्दू ने अपने साथ हुए वाकये का जिक्र किया है। अब्दू ने बताया है कि उससे लोग कैसी घटिया बातें करते हैं। अब्दू ने बताया, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आते हैं और घटिया बातें लिख कर जाते हैं। वो मुझसे कहते हैं तुम कचरा हो, तुम भद्दे हो, तुम बुरे हो, लेकिन ये सारी चीजें मुझे मजबूत बनाती हैं। जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं हो सकती, इसमें दुखद पल भी होंगे। मुझे बिग बॉस काफी पसंद है क्योंकि मैं यहाँ लोगों के बारे में और काफी कुछ सीख और समझ रहा हूँ। बाहर मेरा नाम अब्दुल रोजिक है और मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन यहाँ हम सारे एक जैसे हैं। यहाँ आप काम कर रहे होते हैं, सफाई करते हैं, सारा काम करते हैं और अंडरस्टैंडिंग होती है। आप हमेशा सुपरस्टार नहीं हो सकते और हमेशा पैसा ही नहीं होता। आपके आसपास हर वक्त ऐसे लोग नहीं मौजूद रहेंगे जो आपका काम करें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।